हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये हमने चीकू का पौधा लगाया हुआ है। ये हमने 4 साल पहले लगाया था, जो अब इतना बड़ा फल देने लायक हो चुका है। वैसे पौधे पर 3 साल में फल लग जाते हैं, और ये अब दूसरी बार लगे हुए हैं। हमने 2 पौधे लगाए थे, जिन पर अब चीकू लग रहे हैं। पहली बार में कम फल आते हैं, जो एक दो ही आएंगे। दूसरी बार में वो ज़्यादा आएंगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे देख रहे हैं आप। इनका टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इनको चेक किया था जब पहली बार लगे थे। ये देख सकते हैं आप, जितना मार्केट में चीकू मिलता है वो ऐसे ही साइज़ का है। और फल लगे हुए हैं और फूल भी आ चुके हैं साथ ही, जिससे ये फूल तैयार होंगे, ये फल तैयार हो जाएंगे। हर पत्ते के पास फूल लगे हुए हैं। हमने 2 पौधे लगाए थे, 4 साल में इसकी हाइट कम तकरीबन 5.5 फुट हो चुकी है, और इस पौधे की 7 फुट तक जा चुकी है, क्योंकि ये एक टहनी जो ऊपर तक चली गई है। ये थोड़ा कमज़ोर है, इस पर भी फल लगे हुए हैं लेकिन कम है। मैं हमारे खेत में ऐसे फलों के पौधे लगाता हूँ। ये नींबू का पेड़ है, इसके पास ही हमने इस को भी 5-6 साल हो चुके हैं लगाए हुए। ये बहुत जल्दी बड़ा हो गया। इस पर भी फल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने 2 पौधे लगाए थे, जो बहुत बड़े हो चुके हैं अब तक, तो बहुत ही अच्छे फल लगे हुए हैं। नींबू गर्मियों में तो बहुत काम आते हैं, ये तो सबको पता है, जिसका पानी बनाने के काम आता है। इस पर बहुत ज़्यादा फल लगे हुए हैं, जो आपको दिख रहे हैं। और ये हमने आम का पौधा लगाया था, जो आम लेके आए उसकी गुठली से तैयार किया गया। इसकी कटिंग करेंगे, इसको 4G कटिंग बनाएंगे। इसको थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसको काट देंगे। और ये है अनार का पौधा। ये तकरीबन 13-14 साल पुराना पौधा है, जो बहुत बड़ा हो चुका है। इस पर भी फल बहुत तैयार अच्छे लगते हैं। ये गर्मियों के कारण नीचे से सूख जाते हैं, जिससे फट भी जाते हैं। ये देख, नीचे से सूखे हुए भी हैं। फल बहुत लगे हैं, जो मार्केट में मिलते हैं उससे तो तकरीबन बड़े ही हैं। अभी तो पके नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम और निकलेगा तो पक जाएंगे। और ये दूसरी साइड में लगे हुए पौधे हैं, जो हमने घर की दूसरी साइड में लगाए हुए हैं। इस पर भी फल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर 4-5 पौधे लगे हुए हैं। टेस्ट में भी बहुत बढ़िया अनार रहे हैं। और मैं मार्केट से अनार लेकर आया था, उससे ये मैंने पौधे तैयार किए हैं बीज से। लेकिन इन पर
ज़्यादा बड़े अनार नहीं लगते, ये छोटे छोटे अनार रहते हैं जैसा कि देख रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़े होते भी नहीं हैं, इतने ही रहेंगे। अभी ये खाने में तो बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन साइज इनकी बड़ी नहीं है, छोटी साइज है। ये जाल हमने तो पक्षियों के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि वो काट जाते हैं, इसे उनसे बचाने के लिए लगाया हुआ है। और साथ ही झाड़ियों का बाग भी लगाया हुआ है, तकरीबन 15-20 झाड़ियाँ लगाई हुई हैं। इन पर भी बहुत ज़्यादा बेर लगते हैं। कम से कम हमने 14-15 अनार के पौधे लगा रखे हैं और 15-16 झाड़ियाँ लगा रखी हैं। ये नीचे से फट जाते हैं गर्मियों के कारण और सूख भी जाते हैं। अब गर्मी का तो हम कर भी क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें, जिससे गर्मी पर कंट्रोल किया जा सके, ज़्यादा तापमान ना है। ये पिछली बार लगे हुए चीकू के फल हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें।